हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं गौरव काबरा एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज सैटरडे का दिन है जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, यानी कि आज सीएफए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बात है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको एक रिमाइंडर देता हूं कि हम एक प्लेज ले रखे हैं जिसके हिसाब से हम हर ट्यूजडे सीएसीएस सीएमए वालों बच्चों के लिए एफएम का कोई कॉन्सेप्ट डालते हैं, उन्हीं के लिए कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डालते हैं थर्सडेज को, और सैटरडेज को हम सीएफए वाले कैंडिडेट्स के लिए अपने ये कॉन्सेप्ट वीडियो शेयर करते हैं। इसके अलावा सभी के लिए, इवन जनरल पब्लिक के लिए, गुरु मंत्र बोल करके हमारा एक वीडियो सीरीज और शुरू होने वाला है, जो हर संडेज मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैं अपने फाइनेंशियल प्लान्स या फिर मैं अपने फाइनेंशियल ऑब्जर्वेशंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर मैं कुछ भी रैंडम इकोनॉमी पे कुछ भी बात करनी होगी तो संडेज को करूंगा। वो वीडियोज भी जरूर देखने चाहिए, उसमें हम लोग अपने ऑब्वियसली विचार एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, आप भी मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो संडे वाला वीडियो तो डेफिनेटली आपको देखना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगने पे लाइक जरूर कर लेना। एंड दैट्स इट, दैट्स बीइंग सेड, वी विल मूव टू टुडेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सीएफए कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑप्शंस और कॉल्स और पुट्स दोनों के बारे में बात करेंगे। वेल, कॉल और पुट में टोटल चार पोजीशंस होती है, लॉन्ग शॉर्ट मिला करके टोटल चार पोजीशंस हो गई, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट। तो हमें यह करना है कि हमें इन चारों के बारे में सीखना है। उससे पहले जरा सा एक बार मैं ऑप्शंस के बारे में आपको आइडिया देता हूं, ऑप्शंस होते क्या हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दिस इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यह खास बात होता है कि इधर यू कैन ओनली विन, देयर इज नो चांस ऑफ लॉस। अब यह कैसे होगा? बहुत सिंपल है सर, लॉटरी खेली है कभी? लॉटरी, लॉटरी में क्या होता है सर, आपने टिकट खरीद ली, सपोज कीजिए टिकट थी 100 रुपए की। तो अब ऐसा कभी भी हुआ किसी की भी लॉटरी ऐसी लगी है कि भैया आपकी लॉटरी नहीं लगी तो चलो 10,000 रुपए की पेनल्टी पे करो, ऐसी कभी लॉटरी लगी है किसी की? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता। सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप 100 रुपए की टिकट ले लो, लॉटरी लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, बात खत्म। आपसे वापस और कोई पैसे नहीं ऐठे जाएंगे, जो पैसा आपने दिया 100 रुपए की टिकट का, बस वही आपसे ले लिया गया, इसके अलावा अलग से कुछ भी पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। पर हाँ, अगर आपकी 10,000 की पेनल्टी लग जाए तो 10,000 रुपए लेने के लिए जरूर बुलाया जाएगा। यानी कि वंस यू हैव बॉट अ लॉटरी टिकट, तब लॉटरी सिर्फ लगेगी, लॉटरी कभी ऐसा बैकफायर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको और कोई पेमेंट करना पड़े। नेचुरली ऑप्शंस फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड से बहुत डिफरेंट है। अगर आपको फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स के बारे में भी नहीं पता, तब भैया आप गलत जगह हो। पहले फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब हम कॉल्स एंड पुट्स में घुस पाएंगे, नहीं तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। प्रिज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज फॉरवर्ड, यू नो व्हाट इज फ्यूचर, तो ऑप्शंस मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको लॉटरी टिकट के हिसाब से समझा दिया कि यहां पे शुरुआत में आपको एक लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ेगी, यानी कि एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या पे करना है? प्रीमियम। और एक बार आपने प्रीमियम पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आप सिर्फ जीत सकते हो, वहां से हार नहीं सकते। इसको हम कहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस सर दो तरह के होते हैं, क्लियरली इस बात को रखूं तो ऑप्शंस सर दो तरह के हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन होता है कॉल, पहले को हम बोलते हैं कॉल, और दूसरे को बोलते हैं हम सर पुट। कॉल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अपसाइड बेटिंग के लिए यूज होता है। अपसाइड बेटिंग क्या है, मैं समझाऊंगा, होल्ड कीजिए थोड़ा। और जो पुट है वो होता है डाउनसाइड बेटिंग के लिए यूज। अब ये क्या है सर, समझिए। सपोज कीजिए सर, आपका बड़ा मन कर रहा है, आपको काफी दिन से ऐसा लग रहा है कि आईटीसी बोल करके एक शेयर है, आईटीसी का शेयर ऊपर जाने वाला है। आपको सपोज करो ऐसी अंदर से, मैं कह सकता हूं, मचल रहे हो आप, आपको ऐसा लग रहा है आईटीसी बढ़ेगा जरूर। सबको लगता है सर बजट के आसपास में, तो सबको लगता है आईटीसी गिरेगा, और पूरे साल भर सबको लगता है आईटीसी बढ़ेगा। तो सपोज कीजिए आपको भी ऐसा लग रहा है आईटीसी बढ़ेगा, लेकिन 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 आप इसका शेयर खरीदना नहीं चाहते, आप सिर्फ इस पे बेटिंग करना चाहते हो कि ये ऊपर जाएगा, आप एक्चुअल में शेयर नहीं खरीदना चाहते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप सिर्फ डायरेक्शन पे बेटिंग कर सकते हो कि ये ऊपर जाएगा तो चलो बेट करते हैं, या ये नीचे जाएगा तो चलो बेट करते हैं? हाँ, कर सकते हो, एकदम कर सकते हो सर। डायरेक्शन पे बेटिंग करने के लिए ही तो ऑप्शंस हैं। कल को सपोज कीजिए आपने बोला कि ऊपर जाएगा और वो ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया, तो भी आपका कोई घाटा नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि सर आपने तो एक लॉटरी टिकट खरीदी थी, लॉटरी टिकट खरीदी, आपने बोला लॉटरी ऊपर की लगेगी, देख लेना ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नहीं गया तो लॉटरी नहीं लगी, बात वहीं खत्म हो गई ना। जो सिर्फ लॉटरी टिकट का पैसा आपने दिया वो चला गया, कुछ जीते नहीं और ना ही कुछ हारे, पर अगर कल को लॉटरी लग गई तो कमाओगे अलग। यानी कि ऑप्शंस भी ऐसी चीज होती है सर, यहां पे आप एक बार प्रीमियम पे कर दो, आपने एक बार प्रीमियम पे कर दिया तो आप जिस साइड की बेटिंग कर रहे हो उस साइड के लिए आप तैयार रहो, अगर वो साइड सच्ची में हो गया तो आपको बड़ा मजा आएगा, नहीं हुआ तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बैक टू अवर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा था आईटीसी की, आपको बड़ा अंदर से मन कर रहा है यार आईटीसी का शेयर यहां से ऊपर जाएगा, पर आईटीसी खरीदने के लिए ना आपके पास पैसे हैं ना आपकी कोई नियत है, आप सिर्फ बेटिंग करना चाहते हो आईटीसी ऊपर जाएगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको कॉल खरीद लेना चाहिए। क्या खरीद लेना चाहिए? कॉल। कॉल एक ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर की बेटिंग करने के लिए काम आता है, अगर आप अपसाइड बेटिंग करना चाहते हो तो कॉल आपके काम का है। वहीं पे पुट एक ऐसा ऑप्शन है जो डाउनसाइड बेटिंग करने के लिए आपके काम आता है। सपोज करो यहीं पे आईटीसी के जगह मैं सपोज करो लिख दूं कोल इंडिया, आपको लग रहा है कोल इंडिया का शेयर नीचे जाने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है कोल इंडिया का शेयर नीचे जाने वाला है, तो ऐसे में मुझे बताइए आप अपसाइड बेटिंग करना चाहोगे कि डाउनसाइड बेटिंग? भैया नेचुरली डाउनसाइड बेटिंग ही करेंगे, तो सीधा सा कानून है, अगर आप अपसाइड बेटिंग करना चाहते हो तो उसे हम कहेंगे कॉल, अगर आप डाउनसाइड बेटिंग करना चाहते हो तो उसे हम कहेंगे पुट। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो भैया बेटिंग अगर ऊपर की करनी है तो प्लीज कॉल खरीदिए, कॉल को बाई कर लीजिए, और अगर कभी डाउनसाइड बेटिंग करनी है तो प्लीज भैया पुट को बाई कर लीजिए। क्या सही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? वेरी गुड। चलो एक बार फिर से मैं आपको ये छोटी मोटी जो बातें हैं वो लिखवा देता हूँ, लिखने से सर बहुत बेटर हो जाता है, कहीं पे भी रफ पेज में या फिर आप कोई कॉपी मेंटेन करते हो तो जरूर लिखें। कॉल, टूटी फूटी भाषा में लिखा रहा हूं, कॉल इज दैट ऑप्शन दैट इनेबल्स इट्स बायर टू बेट ऑन अपसाइड मूवमेंट, टू बेट ऑन अपसाइड मूवमेंट। कॉल एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके बायर को यह ऑप्शन देता है कि आप अपसाइड बेटिंग कर सकते हो। वहीं पे पुट जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है दैट इनेबल्स इट्स बायर टू बेट ऑन डाउनसाइड मूवमेंट। बात समझ में आई आपको? कॉल जो है वो अपसाइड बेटिंग में काम आता है और पुट जो है वो डाउनसाइड बेटिंग में काम आता है। एक छोटा सा एग्जांपल फिर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। सपोज कीजिए सर ये मैं हूं, मेरा नाम है गौरव, तो मैंने यहां लिख दिया गौरव, और ये हैं आप, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी हो सकते हो इस वीडियो को देखने वाले, तो मैंने लिख दिया यू। अब समझिए सर कैसा कानून है, एक शेयर है सपोज कीजिए बजाज फाइनेंस, इस शेयर के नाम काफी ज्यादा मैं लेता रहता हूं, किस कारण से उसके लिए आपको देखना चाहिए हमारा गुरु मंत्र वाला सीरीज, वहां पे मैं बताऊंगा बजाज फाइनेंस का मैं इतना नाम क्यों लेता हूं। पर सपोज कीजिए एक शेयर है बजाज फाइनेंस, इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, गौरव को लग रहा है कि ये शेयर जाएगा ऊपर, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर जाएगा नीचे, तो किसको क्या करना चाहिए? सर सिंपल है, दो तरह से काम हो सकता है, या तो मैं आपके पास आऊं और आपको बोलूं यार तुम मुझे एक कॉल बेच दो, आप मुझे कॉल सेल करेंगे और मैं आपसे कॉल बाई करूंगा। मैं क्यों बाई कर रहा हूं, आप क्यों सेल कर रहे हैं, उसका कानून समझिए। मेरे को लग रहा है ना बजाज फाइनेंस ऊपर जाएगा, मैं अपसाइड बेटिंग करना चाहता हूं, अगर मैं अपसाइड बेटिंग करना चाहता हूं तो मुझे कॉल या पुट में क्या खरीदना चाहिए आप ही बताओ। अभी पढ़ के आए सर हम कि अगर आप अपसाइड बेटिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉल खरीदना चाहिए, देखिए ये बात पढ़ी हमने, अगर आप अपसाइड मूवमेंट के लिए बेटिंग करना चाहते हैं आपको कॉल खरीदना चाहिए। सिमिलरली अगर आप डाउनसाइड बेटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या खरीदना चाहिए? पुट।
फिलहाल इस केस में मैं जानता हूं कि बजाज फाइनेंस यहां से ऊपर जाएगा, तो मैंने कौन सी बैटिंग की, मैंने बैटिंग की कि भैया ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मैंने निर्णय एकदम सही लिया है, मैं कॉल खरीदना चाहता हूं। नेचुरली मैं कॉल आपके पास खरीदने आऊंगा, तो आप मुझे कॉल बेचिएगा। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो और एक काम कर सकते हैं हम। अब ये थोड़ा पेचीदा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगेन ये हूं मैं यानी कि गौरव, और एक हो आप यानी कि यू। बात वही है सर, मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस यहां से ऊपर जाएगा, मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन यहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस नीचे जाएगा, तो मैंने कुछ नहीं खरीदा, इनफैक्ट आप मेरे पास आए और आप मेरे को बोले कि यार एक पुट जो है वो मुझे खरीदवा दे। आपने एक पुट खरीदा और मैंने आपको पुट बेच दिया, समझो समझो। पहले केस में मेरा कन्विक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था, तो मैं अपसाइड बेटिंग कर ही रहा था हमेशा से। मैंने बोला यार मैं तो खरीदूंगा, मैं एक ऑप्शन खरीदने वाला हूं, तो कौन सा ऑप्शन खरीदूंगा मैं खरीदूंगा एक कॉल। क्यों? क्योंकि मेरा कन्विक्शन है ये शेयर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मुझे अपसाइड बेटिंग करनी है, मैं कॉल खरीदूंगा भैया। अब मैं खरीदूंगा तो आप ऑब्वियसली सेल करोगे। अब ध्यान रखिए, जो काउंटर पार्टी होती है उसकी हमेशा सोच कुछ और चल रही है, उसकी सोच हमेशा कुछ और चल रही है। अगर मुझे लग रहा है अपसाइड जाएगा तो उसे लगना चाहिए कि ये डाउनसाइड जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी अग्रीमेंट में आएगा नहीं, समझिए इस बात को। अब आप सोच भी रहेंगे भैया जब खरीदने से आप जीत ही रह सकते हो हमेशा, तो लॉटरी टिकट बेचनी क्यों है? कभी सोचिए ऐसा भी कि भैया जब लॉटरी टिकट खरीदने से ही पैसा मिलता है तो कोई लॉटरी टिकट बेचता क्यों होगा? इसलिए क्योंकि लॉटरी बेचने वाले ये बात जानते हैं कि खरीदने वाले खरीदेंगे तो सही, पर शायद वो जीतेंगे नहीं, इसलिए जो लॉटरी की टिकट का जो पैसा आ रहा है वो तो हम एंजॉय करेंगे। ये बात ध्यान दीजिए, अगर मैं कभी भी कॉल खरीदता हूं तो मुझे इसके लिए रुपए चुकाने होंगे, मुझे इसके लिए एक प्रीमियम देना होगा आपको। ये प्रीमियम मिलते ही आपकी इनकम हो जाएगी, ये प्रीमियम मिलते ही आपकी इनकम हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस ऊपर जा ही नहीं सकता, तो आपको नहीं लगता आपकी कमाई मस्त हो गई, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा? मतलब सपोज कीजिए सच में ऐसा हो जाए कि बजाज फाइनेंस ऊपर जाए ही ना, बजाज फाइनेंस उल्टा नीचे आ जाए, तो मैं तो जीता नहीं क्योंकि मैं तो अपसाइड बैटिंग कर रहा था। मैं हारा भी नहीं क्योंकि मैंने एक कॉल खरीदा था, जो कॉल खरीदता है उसके पास में सिर्फ अपसाइड बेटिंग का ताकत आ जाता है, अपसाइड बेटिंग पे वो कमाता है, पर डाउनसाइड बेटिंग पे उसका नुकसान नहीं होता। यानी कि अगर बजाज फाइनेंस नीचे चला भी जाता है तो भी मेरा नुकसान अलग से कुछ नहीं होगा, जो मैंने बस शुरुआत में आपको एक प्रीमियम दिया था वो वेस्ट हो गया। लॉटरी के जैसा ही है सर, मैं लॉटरी का मैंने टिकट खरीद लिया, लॉटरी मेरी लगी नहीं तो मेरे को अलग से कोई नुकसान नहीं हुआ, बस जो लॉटरी का पैसा मैंने टिकट पे लगा दिया था वो मेरा गया, करेक्ट? आप सोचिए, आपने वो लॉटरी टिकट मुझे बेची थी, आपको पता था मैं जीतूंगा नहीं, तो आपने वो टिकट मुझे बेची, मैंने टिकट के रुपए जो बनते थे प्रीमियम वो आपको चुका दिए। अब मैं नहीं जीता तो आपको कुछ चुकाना थोड़ी ना, और मैं हार तो सकता ही नहीं था, तो आपको कुछ मिलना तो ऐसे भी नहीं था, लेकिन आपको शुरुआत में वो लॉटरी टिकट के पैसे मिले, मिले कि नहीं मिले। ये सेम सिनेरियो पुट के टाइम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पुट में अगर आप नोटिस करेंगे तो आप मेरे पास में आए और आकर के मेरे को बोले कि भैया मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस जो है वो नीचे जाने वाला है। मैंने बोला अगर इतना ही लग रहा है नीचे जाने वाला है तो एक पुट खरीद लो, पुट खरीद लो, क्योंकि पुट डाउनसाइड बेटिंग के काम आता है। तो मैंने बोला एक काम करो पुट खरीद लो। आपने जैसे ही पुट बाई करने की बात की, मैंने बोला चलो निकालो प्रीमियम के पैसे, क्योंकि पुट खरीदना भी एक लॉटरी टिकट जैसा ही है। अगर शेयर नीचे चला गया तो आपकी लॉटरी लग गई, शेयर नीचे नहीं गया तो आपकी लॉटरी नहीं लगी, बात सिंपल है। लेकिन इस लॉटरी को खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम तो देना पड़ेगा। जैसे ही आपने मुझे प्रीमियम दिया वैसे ही मेरी इनकम हो गई कि नहीं हो गई, मुझे बताइए। हाँ भैया हो गई आपकी इनकम। अब ऐसे में अगर बजाज फाइनेंस ऊपर चला जाए, यानी कि मेरी बात सही हो जाए, आपकी बात सही नहीं हो, तो आप हार गए। हारे मतलब अलग से आपको पैसे नहीं देने, लेकिन जो आपने वो शुरुआत में प्रीमियम दिया था मुझे वो आपका वेस्ट हो गया, है ना? यानी कि सीधी सी बात है, आपकी सोच थी नीचे जाएगा, मेरी सोच थी ठीक उसकी उल्टी, मुझे लगा था ऊपर जाएगा। तो मैं वेट किया कि ठीक है आप पुट खरीद लो, कोई बात नहीं। आपने पुट खरीदा, मैंने पुट बेच दिया, शेयर नीचे गया नहीं, शेयर ऊपर चला गया, मैं जीता।
लेकिन मेरे को जीतने पे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने सेल किया था, और आप हार गए तो आपको कुछ चुकाना नहीं होगा क्योंकि आपने बाई किया था। इस बीच में बस इतना हुआ कि वो प्रीमियम मुझे मिल गया। आई होप लॉटरी के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मैं एक बार फिर एक और चेष्टा करूंगा, इट इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार फिर चेष्टा करते हैं, समझिए इस बात को। अब इसको लॉटरी टिकट पे ही एग्जांपल लेते हैं। ये है आदमी ए और ये है आदमी बी। आदमी बी ने एक लॉटरी टिकट बेची है, लॉटरी सोल्ड, और वहीं पे आदमी ए ने वही लॉटरी टिकट बाई की है, करेक्ट? करेक्ट। जब लॉटरी बाई करते हैं तो रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि बी को सपोज करो 100 रुपए के टिकट के पैसे मिल गए और ए के 100 रुपए सपोज करो बैलेंस से चले गए क्योंकि उसने लॉटरी टिकट खरीद ली। मेरा यह कहना है कि कल को मान लो लॉटरी नहीं लगे, लॉटरी अगर नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा, किसी को कोई पैसा किसी को नहीं देना, क्योंकि लॉटरी अगर नहीं लगी तो ठीक है लॉटरी टिकट फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन कल को लॉटरी लग गई तो जिसने लॉटरी खरीदी थी वो मजे में आ गया, उसको पैसा मिलेगा। क्यों पैसा मिलेगा? क्योंकि वो जीत गया, ही इज अ विनर। और जैसे ही विनर हुआ तो अब ए को बी को पैसे देने पड़ेंगे, ए विल हैव टू गिव रुपीज, जो भी जितने की भी लॉटरी है, सपोज 10,000 की लॉटरी है तो 10,000 रुपए ए को बी को देने होंगे। आप समझिए यहां पे, जिसने लॉटरी खरीदी थी, लॉटरी खरीदने वाला, लॉटरी बायर, उसके पास ऑप्शन क्या था? उसके पास ऑप्शन ये था कि एक तो वो प्रीमियम पेमेंट कर रहा था, वो प्रीमियम पे कर रहा था, दूसरा वो सिर्फ विनर हो सकता है, वो लूजर नहीं हो सकता, वो हार ही नहीं सकता क्योंकि उसने जो पैसे देने थे वो दे चुका है प्रीमियम के तौर पे। अब अगर वो हार गया तो उसको अलग से कुछ नहीं देना, जो प्रीमियम वेस्ट हो गया हो गया, इसके अलावा अलग से कोई लॉस नहीं होगा। बात समझ में आई? पक्का क्लियर हुई? तो आइए रैप अप करते हैं इसको। रैप अप करने के लिए वापस मुझे लिखना पड़ेगा कॉल और पुट, और ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अब जो इस सेक्शन में मैं बात करूंगा वो आपका पूरा दिमाग खोल के रख देगा, आपको समझ में आ जाएगा हाँ अब जो आप बात बोल रहे हो वो एकदम सही है। देखो कॉल हमें पता है कि जब भी आपको अपसाइड बेटिंग करनी है, क्लियर है, तब आपको कॉल यूज करना चाहिए, ये सबको पता चल गया, ठीक। पुट के लिए हमें पता है कि अगर आप डाउनसाइड बेटिंग करना चाहते हो तो आपको पुट खरीदना चाहिए, ये भी सबको पता है। हाँ भैया ये भी पता है। अब बात बस ये आती है कि इसको बाई करें, यानी कि बाई का दूसरा नाम होता है लॉन्ग, इसको बाई करें यानी कि लॉन्ग करें, या फिर मैं एक कॉल को सेल करें यानी कि शॉर्ट करें, शॉर्ट को राइट भी बोलते हैं कई बार, ऑल्सो नोन एज राइट, क्लियर है। वैसे ही पुट में भी एक ऑप्शन आता है, भैया अब इसको बाई करूं यानी कि इसका लॉन्ग हो जाऊं, या फिर मैं इसको सेल कर दूं यानी कि इसका शॉर्ट हो जाऊं, या फिर मैं राइट कर दूं इसको। तो सर जवाब बहुत सिंपल है और ये मेरा पूरा टेम्पलेट फिक्स किया हुआ है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, पहले आपको ये पूछना है कि आप अपसाइड बैटिंग कर रहे हो कि डाउनसाइड, पहले तो ये तय करो। अगर आपका जवाब आता है भैया हम अपसाइड बैटिंग कर रहे हैं, तो वहां से दो क्वेश्चन करिए खुद को। क्वेश्चन नंबर एक, क्या प्रीमियम पेमेंट करने का पैसा है? क्या प्रीमियम पेमेंट करने का पैसा है? अगर है तो कॉल जाके खरीद लो। अगर प्रीमियम पेमेंट करने का पैसा है तो सिंस आप अपसाइड बेटिंग कर रहे हो तो आपको कॉल खरीद लेना चाहिए, लेकिन अगर प्रीमियम पेमेंट करने का पैसा नहीं है तो पुट बेच दो, पुट बेच दो। अरे बाबा क्या बोल दिए भैया, हाँ एकदम सही है। अगर आपके पास में पैसे हैं प्रीमियम भरने को, तब तो आपको अपसाइड बेटिंग वाला ही ऑप्शन खरीद लेना चाहिए, सिंस अपसाइड बेटिंग का जो ऑप्शन होता है उसे कॉल कहते हैं, तो यू शुड गेट लॉन्ग कॉल, आपको कॉल को खरीद लेना चाहिए, वो हो गया लॉन्ग कॉल, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो आप अपसाइड बेटिंग कर रहे हो लेकिन आपके पास प्रीमियम पैसे भरने के या तो औकात नहीं है या फिर में नियत नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी खुला है, आप किसी ऐसे बकरे को ढूंढो जो पुट खरीदना चाह रहा है, क्योंकि वो डाउनसाइड बेटिंग कर रहा है और आप अपसाइड बेटिंग कर रहे हो, आपको पता है वो रॉन्ग होने वाला है, तो आप एक बकरे को ढूंढो जो पुट ढूंढ रहा है, उसको पुट बेच दो, पुट बेचने से भी तो कमाई तो आएगी। तो दो रास्ते हैं सर, पहला रास्ता आपके पास पैसा है तो कॉल खरीद लो,
दूसरा रास्ता, पैसा नहीं है तो किसी बकरे को ढूंढो जो पुट खरीदना चाह रहा है, पुट बेच दो उसको। और वहीं पे मान लो आप अपसाइड बेटिंग नहीं डाउनसाइड बेटिंग कर रहे हो, तो एक रास्ता सीधा है, प्रीमियम है अगर आपके पास, अगर आपके पास में प्रीमियम है, भरने का पैसा है, तब तो भैया सिंपल है, प्रीमियम है तो पुट खरीद लो। और अगर प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है या फिर नियत नहीं है तो कॉल को शॉर्ट कर दो सर, शॉर्ट यानी कि आपको लग रहा था कोई शेयर है जो नीचे जाएगा, आपके पास पैसा था, ठीक है खरीद लो, क्या खरीदो पुट, क्योंकि पुट डाउनसाइड बेटिंग के लिए होता है। पर मान लो आपके पास पैसा नहीं है तो एक ऐसे बकरे को ढूंढो जो कॉल खरीदना चाह रहा है क्योंकि वो अपसाइड बेटिंग कर रहा है और आप कर रहे हो डाउनसाइड बेटिंग। ऐसे में अगर नीचे चला गया तो आपको फायदा हो जाएगा, जो उसने प्रीमियम आपको पकड़ाया वो आपको फायदा हो जाएगा। बात समझ में आई, पक्का क्लियर हुआ? तो सर बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। लॉन्ग कॉल जाने के लिए दो कंडीशंस आपको चेक करनी है, किसी भी बंदे का दो कंडीशंस आपको चेक करना है। सबसे पहला, क्या वो अपसाइड बेटिंग कर रहा है? हाँ। और दूसरा, क्या वो प्रीमियम पे कर रहा है कि रिसीव कर रहा है? तो सर ये तो प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम पे करता है, एक लॉन्ग कॉल वाला जो बंदा होता है वो प्रीमियम पे करता है और वो अपसाइड बेटिंग कर रहा होता है, करेक्ट। वहीं पे शॉर्ट कॉल वाला बंदा कौन है? शॉर्ट कॉल वाला वो है जिसने कॉल बेचा है, बेचा है तो डेफिनेटली ये ऊपर का तो सोच ही नहीं रहा, यानी कि ये डाउनसाइड बेटिंग कर रहा है। कौन सी बेटिंग कर रहा है सर? डाउनसाइड बेटिंग कर रहा है। और इसके अलावा इसको प्रीमियम रिसीव करने को मिला, इसको प्रीमियम रिसीव करने को मिला। रिसीव करने को क्यों मिला? क्योंकि ये वही बंदा है जिसने ये कॉल लॉन्ग को बेचा है, जिसने ये कॉल लॉन्ग को बेचा है, क्लियर है। सिमिलरली पुट में आते हैं, अगर आप एक पुट को लॉन्ग करना चाहते हैं, मतलब पुट को खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सोच डाउनसाइड की ही है, लेकिन इस सोच के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ा क्योंकि आप एक ऑप्शन को खरीद रहे हो, खरीदने वाला कभी हारता नहीं, यानी कि लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, तो खरीदोगे तो प्रीमियम तो पेमेंट ही करना पड़ेगा सर। वहीं पे शॉर्ट पुट वाला कौन है? शॉर्ट पुट वाला वो है जिसने ये पुट बेचा। जो पुट बेचता है सर वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो डाउनसाइड बेटिंग कर रहा है, वो इनफैक्ट अपसाइड बेटिंग कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि शेयर नीचे नहीं जाएगा, शेयर उल्टा ऊपर जाएगा, और वो प्रीमियम पे नहीं कर रहा, वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है। समझिए चारों कंडीशंस एक बार फिर समझिए, हो सके तो इस वीडियो को यहां पॉज करें और वापस एक बार अपने दिमाग में इसको उतारें। ये एक बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने चॉइस किया कि पहला ही कॉन्सेप्ट वीडियो में इसको डालें। इट इज अ हार्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने तीन चार अलग अलग तरीके से ट्राई किया कि ये मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं बन रहा है, आपको दोबारा तिबारा देखना चाहिए इस वीडियो को। इसलिए नहीं कि ये वीडियो अच्छे से नहीं बना, नहीं, वीडियो अच्छे से बना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हार्ड है सर, ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है और एक बार में उतरता भी नहीं है। यू विल हैव टू गिव योर टाइम, आपको एक बार पेशेंस के साथ बैठना होगा। फिर भी मैं अंतिम ट्राई जरूर करूंगा और ये अंतिम ट्राई मेरी इस समरी से ही है कि भैया दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। अगर आप अपसाइड बेटिंग करना चाहते हो तो कॉल खरीदना चाहिए, कॉल खरीदना चाहिए। पर भैया खरीदने का अगर पैसा नहीं है तो, प्रीमियम पेमेंट का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पुट बेच दो। क्या बेच दो? पुट बेच दो, या तो कॉल खरीद लो या तो पुट को ही बेच दो। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप डाउनसाइड बेटिंग करना चाहते हैं तो या तो पुट को खरीद लो, और पुट खरीदने का पैसा नहीं है तो कॉल को बेच दो। ऐसा करेंगे तो भी आपकी कमाई हो जाएगी। सो दैट इज हाउ वी एस्टैब्लिश फोर पोजीशंस फॉर दीज कॉल्स, कॉल्स एंड पुट्स फॉर दीज ऑप्शंस। तो ये रहा अपने आपके सामने लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने पे जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, एंड बने रहिएगा CFA की प्रोग्राम की प्लेलिस्ट के साथ में, जिसमें मैं हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के जरूर आऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।